कांग्रेस के लिए कर्नाटक ही बड़ा सहारा है। जिन चंद राज्यों में उसकी सरकार है उसमें यह बड़ा राज्य है। सिद्धरमैया सरकार की एक स्कीम एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधार कार्यक्रम जीएसटी की तुलना में राजस्व में बढ़ोतरी के लिए ज्यादा बेहतर विकल्प बनती दिख रही है। अपने खास ई वे बिल सिस्टम की वजह से वो केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने हैं इसलिए, लेकिन चुनावी समय के बावजूद उसकी यह खास स्कीम व्यापारियों के लिए बड़ी राहत बन सकती है। कर्नाटक ने व्यापारियों की समस्या को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल या ई वे बिल सिस्टम की शुरुआत की है। इस व्यवस्था के जरिए जिस तरह से राज्य भर में 10 किलोमीटर से दूर 50,000 की कीमत से ज़्यादा के सामान को भेजा जा सकता है, उसी तरह दूसरे राज्यों में भी ट्रेडिंग की जा सकती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को केंद्र सरकार ने भले पिछले साल के मध्य में लागू किया हो, लेकिन अक्टूबर से मासिक आय में लगातार गिरावट आ रही है और लक्ष्य के मुताबिक 91,000 करोड़ से कम की आय हुई है। यह केंद्र में मोदी सरकार और भाजपा सहित राज्यों के लिए भी चिंता का बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसलिए राजनीतिक स्तर पर विरोध के बावजूद कर्नाटक का ई वे बिल सिस्टम को स्वीकार किया जा रहा है। अक्टूबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में ई वे बिल की बात सामने आई थी। तब कर्नाटक ने सुझाव दिया था कि ई वे बिल सिस्टम को एक राज्य से बाहर ले जाया जाए और 4 से 5 राज्यों को इसमें जोड़ा जाए, फिर राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया जा सकता है। कर्नाटक ने 12 सितंबर 2017 को ई वे बिल की शुरुआत की थी। इसे लागू करने से पहले अगस्त 2017 में राज्य में ही इसे डिजाइन और डेवलप किया गया, फिर इसे प्रयोग के तौर पर लागू किया गया।